एनसी ये कह रही है कि 200 साल अंग्रेजों को हटाने में लगे थे आजादी दिलाने में, 370 के लिए चाहे जितना भी वक्त लगे एक समय आएगा 370 फिर से बहाल होगा। 200 साल अंग्रेजी वालों को हटाने के लिए लगा है, 70 साल 370 हटाने के लिए लगा है, और आने वाले दिन में परिवारवाद को भी हटाने के लिए, भ्रष्टाचारवादों को हटाने के लिए, पाकिस्तान को समर्थन करने वालों को हटाने के लिए, और कम समय में वो भी हम हटाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण आतंकवाद बढ़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण ये जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है। जी किशन रेड्डी जी, इस समय हमारे साथ हैं, इलेक्शन प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, और इस समय रियासी के बीजेपी पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। सर एक सवाल, सर क्या माहौल चल रहा है इस समय बीजेपी का, क्या माहौल देख रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप इस समय? हमारा मुद्दा तो बहुत है जी सर, इस जम्मू कश्मीर का विकास का मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का सुरक्षा मुद्दा है, जम्मू कश्मीर जनता का अधिकार का मुद्दा है, और जम्मू कश्मीर इस रियासी में अच्छे मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। एनसी ये कह रही है कि 200 साल अंग्रेजों को हटाने में लगे थे आजादी दिलाने में, 370 के लिए चाहे जितना भी वक्त लगे एक समय आएगा 370 फिर से बहाल होगा। 200 साल अंग्रेजी वालों को हटाने के लिए लगा है, 70 साल 370 हटाने के लिए लगा है, और आने वाले दिन में परिवारवाद को भी हटाने के लिए, भ्रष्टाचारवादों को हटाने के लिए, पाकिस्तान को समर्थन करने वालों को हटाने के लिए, और कम समय में वो भी हम हटाएंगे। प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या माहौल देख रहे हैं आप, फायदा हुआ है यहाँ पे? क्यों नहीं होता है उसमें क्या, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का रैली इसके लिए आता है। एनसी का ये कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण आतंकवाद बढ़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण ये जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण आर्टिकल 370 आए, आर्टिकल 370 के कारण देश में जो अधिकार मिलना था अधिकार नहीं मिला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण परिवार राज आया है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर नहीं रहते तो देश में जैसा अलग अलग प्रांत विकास हुआ था, जम्मू कश्मीर भी ऐसे विकास होता था। जी किशन रेड्डी जी, जो कि इलेक्शन प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस समय रियासी में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं, और एक बैठक उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ की है। जाहिर तौर पर जो चुनावी प्रचार है उसी को लेकर ये बैठक होगी, उसी पर मंथन किया गया होगा, प्लानिंग की गई होगी, और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जिला स्तर के वो इस बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि कोल्स एंड माइंस मंत्री भी हैं, लिथियम के ऊपर भी सवाल करना चाहते थे लेकिन समय नहीं मिला, उन्होंने समय काफी कम दिया, सवाल हो नहीं पाए हैं, तो इस समय वो यहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।